सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। हमने स्वतंत्रता पूर्व जो शिक्षा के जितने भी आदेश पत्र या घोषणा पत्र आए थे वो हमने चर्चा कर लिए थे। उसके बाद अब स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई या क्या नए कार्यक्रम या क्या नई योजनाएं आई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आया था 1964 में शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षा के लिए, तीनों शिक्षा के समन्वित रूप के लिए आया था। मतलब सभी शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए आया था। इन्होंने शिक्षा के पांच उद्देश्य बताए या पांच लक्ष्य बताए। उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए शिक्षा की, शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता में सहायता देनी चाहिए, शिक्षा से मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए विद्यार्थी के, और लोकतांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए और सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग जो दौलत सिंह कटारी की अध्यक्षता में आया था 1964 में, इन्होंने शिक्षा के पांच लक्ष्य बताए। उत्पादकता, लोकतांत्रिकता, राष्ट्रीय एकता, मानवीय मूल्य और सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्य, इनकी शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो स्कीम बताई थी कि कौन सी एजुकेशन कितने साल की होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बोला था पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो 1 से 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष के लिए, माध्यमिक शिक्षा 2 से 3 वर्ष के लिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष के लिए होनी चाहिए। तो ये जो बताया था इन्होंने, ये आपको मैं जनरल अंदाजे में बता देता हूँ, जो मतलब आज के समय में जो चल रहा है, जैसे प्राथमिक जो शिक्षा है आज के समय में 5 साल की है, 1 2 3 4 5, इसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 साल की है, जिसे क्लास 6 7 और 8 कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा 2 साल की है, 9 और 10 कहते हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 साल की है, जिसे 11 और 12 कहते हैं। पर भारतीय शिक्षा आयोग ने ये बताया था, ये कहा था कि माध्यमिक शिक्षा 2 से 3 की हो सकती है, प्राथमिक 4 से 5 की हो सकती है, और प्राथमिक 1 से 3 वर्ष की हो सकती है। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने ये इस प्रकार के डिवाइडेशन की बात कही थी। अच्छा, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक होने पर ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने बोला था कि प्राथमिक शिक्षा जो आधारशिला है शिक्षा व्यवस्था की हमारी, ये गुणात्मक होनी चाहिए। इन्होंने सरल व औपचारिक पाठ्यक्रम लागू करने की बात करी और त्रिभाषा सूत्र दिया। त्रिभाषा सूत्र से मतलब है कि कोई भी जो विद्यार्थी है भारत का, जो कोई भी आदमी है, उसे 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक तो उसकी मातृभाषा, दूसरी उसके कामकाज की भाषा, तीसरी वो भाषा जो मतलब ऐसा समझिए आप, जैसे हम हैं, हम 3 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, या हम नॉर्थ साइड से हैं, उत्तरी भारत के हैं या दक्षिण भारत के हैं, सभी विद्यार्थियों को 3 भाषा पढ़ना अनिवार्य है। जैसे पहले हमने पढ़ी हिंदी, दूसरी हमने भाषा पढ़ी अंग्रेजी, तीसरी भाषा संस्कृत या कुछ ने ली होगी उर्दू, जैसे बीटीसी में भी आपने ली होगी या डीएलएड में आपने ली होगी संस्कृत या उर्दू, इनमें से सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ऐसे ही जो साउथ के बालक हैं उन्हें भी पढ़नी पड़ती है। एक तो जैसे मान लो तमिल का कोई बालक है, तो उसे तमिल तो पढ़नी है क्योंकि मातृभाषा है उसकी। उसके अलावा दूसरी उसे इंग्लिश ले सकता है वो, अगर उसे इंग्लिश ज़्यादा पसंद है। उसके बाद तीसरी उसे हिंदी लेनी पड़ेगी या और कोई भाषा ले सकता है। तो ये इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत में शायद चॉइस होती हो, या इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होती हो। खैर, त्रिभाषा सूत्र है, मुझे हिसाब से तो इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होती होगी वहाँ भी। तो ये है त्रिभाषा सूत्र। तो ये त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट लाए थे भारतीय शिक्षा आयोग, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट आया था। अच्छा, उसके बाद 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आई थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात करी गई थी निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा की। अच्छा, ये बात तो पहले से चलती आ रही, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की वर्धा सम्मेलन में बात हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी। पर ये सब ना नीतियाँ थी, ये सब इनका कोई ना मतलब ठोस कहीं लिखा हुआ नहीं था ऐसा कि ये मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए कानून 2002 में जो संशोधन हुआ था, 2009 का कानून बना, आरटीई 2009, वो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि उसमें ना संविधान में लिखा गया हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हो गया वो, कि हमें शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 वर्ष के बालकों का मौलिक अधिकार हो गया। जैसे इसमें ये अंतर है, पहले तो था, जैसे पहले जो ये थी ना शिक्षा व्यवस्था, ये थी शिक्षा जो थी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये थी नीति निर्देशक तत्वों में। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि जो मतलब तभी तो लागू नहीं हुए थे जो संविधान बन गया था, कि तब हम उस लायक नहीं थे, पर उन्हें आशा थी कि दशक सालों में राज्यों में लागू हो जाने चाहिए, राज्य इन्हें लागू करें, वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत थे। तो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत थे। अब तो खैर कानून बन चुका है। हाँ, तो हम पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, तो 1968 में बात की गई थी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा, और इनका माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। मतलब माध्यम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे समझ सकें, तो क्षेत्रीय भाषा ही माध्यम होना चाहिए। समान स्कूल पद्धति पूरे राष्ट्र में आनी चाहिए, और समाज उत्पादक कार्य भी सिलेबस में शामिल होने चाहिए। समाज उत्पादक कार्य आपके सिलेबस में डीएलएड 3rd सेम में है शायद, आप देखना, तभी डाइट में ही होता है उसका मूल्यांकन भी।
और त्रिभाषा सूत्र की बात इन्होंने भी करी थी, भारतीय शिक्षा आयोग ने भी करी थी, इन्होंने भी त्रिभाषा सूत्र की बात करी थी। इन्होंने बोला था कि परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब है विश्वास, मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब है जिसके, जिस पर भरोसा किया जा सके, या जिसके ऐसी, जैसा आपने सुना होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्प प्रश्न, उसमें कोई एक ही उत्तर ठीक होता है। तो परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा वैसी नहीं हो, वह कहना चाहिए कि जिसके कई आंसर मान लिए जाएँ, या परीक्षा प्रणाली विश्वास योग्य ना हो, तो ऐसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए कि सबके लिए समान होनी चाहिए। अच्छा, 1966 में संशोधन हुआ और इसे जो राज्य का विषय था, यो शिक्षा, इसे उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 1979 में शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया गया, उसका ड्राफ्ट ही बना था, तभी सरकार चेंज हो गई, तो ड्राफ्ट कैंसिल हो गया। 1985 में एक दस्तावेज आया, शिक्षा की चुनौती, ये केंद्र सरकार का दस्तावेज था, शिक्षा की चुनौती। इसी के आधार पर 1986 की, 1985 में शिक्षा चुनौती दस्तावेज आया, उसी के आधार पर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। ये बहुत फेमस शिक्षा नीति है क्योंकि इसी के आधार पर 10+2+3 वाला जो अब हम यूज करते हैं, कहना चाहिए स्कूल, स्कूली सिस्टम, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन था। इसके शिक्षा नीति के 12 खंड थे और इसमें बालक को राष्ट्रीय संपत्ति कहा गया था। उन्होंने बोला था कि बालक जो है राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए उसके पूर्व प्राथमिक समय से ही पोषण पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए पोषण की व्यवस्था की गई थी। एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ECCE लॉन्च हुआ 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, और इसमें पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए, विद्यालय के छात्रों के लिए पोषण की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या जिन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही, वो थी कि प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, कार्य अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, कार्य करके बालक खुद सीखे, गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए, बालक से ही गतिविधि कराओ ताकि वो सीखे अच्छा से, पर्यावरण संरक्षण इसमें ही शामिल होना चाहिए, प्राथमिक कक्षा में शामिल होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में जो EBS, अब आप EBS की बुक्स पढ़ते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आई गई थी। पर्यावरण संरक्षण की बात हुई थी कि पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण लागू होना चाहिए, मूल्य शिक्षा लागू होनी चाहिए, और इसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था 1987 और 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, 2-in-1 डिवाइसेस थी जैसे, और पहले तो मिनिमम 2 कमरे या 2 अध्यापक, मतलब किसी भी स्कूल को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन इसलिए किया गया था शब्द का प्रयोग, ताकि एकदम शीघ्रता से इस बारे में काम हो। तो 2 कमरे और 2 अध्यापक की व्यवस्था थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 1987 और 1988 में शुरू किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के लिए 4 जो एजेंसियाँ थी, या 4 कहना चाहिए संस्थाएँ थी, वो जिम्मेदार थी, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ISTE, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये थी 4 जो ये संस्थाएं थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई थी। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम आया। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम कब आया, 1980 में। सन और टाइमलाइन इस बीच बताई है ताकि आपको याद रहे क्या कार्यक्रम कब चला और क्या होता रहा, मैं आपको बताता रहूंगा। टाइमलाइन में बस देख लीजिए किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, क्या किससे जुड़ा है। जैसे 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुड़ी हुई है 1985 के शिक्षा की चुनौती दस्तावेज से, इसी पर आधारित आई थी। अच्छा, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता कानून आया, जिसका पहला राज्य कौन बना, केरल, जहाँ साक्षरता का पहला राज्य बना केरल 1989 में। चलो 1990 की बात करते हैं। अच्छा, जो ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो कमियाँ थी, ये जो आई थी राजीव गांधी की सरकार के समय में आई थी, इसकी जो कमियां थी इसे दूर करने के लिए एक और समिति बनी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राम मूर्ति। तो इन्होंने उसके कुछ सुझाव दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ ना चेंजेस होने चाहिए। वो सुझाव दिए थे, वो ये थे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 कमरे और 2 अध्यापक की बजाय 3 कमरे और 3 अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें 50% महिला आरक्षण होना चाहिए, मतलब महिला अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, और संस्कृत पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत उस समय नकारी जा रही थी, या ऐसे कहें कि संस्कृत का ठीक नहीं चल रहा था काम, संस्कृत उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, या संस्कृत को भूलते जा रहे थे लोग, तो इन्होंने संस्कृत के बारे में चर्चा की कि संस्कृत पर भी बढ़ावा देना चाहिए। +2 स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब 10+2 एकीकृत होना चाहिए, या +2 जो है स्कूल में आना चाहिए, मतलब 11th और 12th भी स्कूली शिक्षा का अंग बन गया। तो ये 1992 में बना था +2 स्कूली शिक्षा का अंग, और ये डॉक्टर राम मूर्ति जी, इसके लिए जो डॉक्टर राम मूर्ति जी की अध्यक्षता में
जो समिति बनी थी उसने बनवाया था। समानता की शिक्षा देनी चाहिए बालकों को और कंप्यूटर शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी की गई थी और 1990 में भी की गई थी। शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए और राष्ट्रीय आय का 6% जो है शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ये 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो संशोधित नीति थी जो राम मूर्ति के अध्यक्षता में बनी थी उसमें ये बात की गई थी, और एससी एसटी के लिए स्पेशल रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ये बात करी थी। उसके अलावा 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब ये बात तय हुई थी कि हर 5 साल बाद चेक किया जाएगा कि क्या कार्यान्वयन में क्या अड़चने आ रही हैं और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो 1986 के 5 ईयर्स बाद यानी 1991 में तो नहीं हुआ, खैर 1992 में आई कार्यान्वयन कार्यक्रम या नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलो इसकी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च हुआ था 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, 1987-1988 में चला था। इसमें जो चीज़ें मिली थी उसके प्रशिक्षण के लिए या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी किट वगैरह मिलती थी साइंस किट वगैरह उस सबके प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम चला था पी मोस्ट ओबी। पहले चल रहा था पी मोस्ट जनरल, मतलब पी मोस्ट का मतलब है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। तो ये जो था पी मोस्ट कार्यक्रम, मतलब अध्यापकों की प्रशिक्षण दिया जाता था इसमें। ये पी मोस्ट कार्यक्रम जो चल रहा था इसमें पी मोस्ट जनरल को पी मोस्ट ओबी कर दिया गया, मतलब पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये एनसीईआरटी रिपोर्ट, अच्छा हाँ, उसके बाद पी मोस्ट कार्यक्रम चल रहा था 1990 में आया था पी मोस्ट कार्यक्रम। इसके बाद 1991 में मिनिमम लर्निंग लेवल, मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर, एनसीईआरटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1991 में, इसमें न्यूनतम अधिगम स्तर की बात की गई थी। 1992 में 1986 के 5 साल बाद जो कार्यान्वयन कार्यक्रम चला था वो 1992 में चला था कार्यान्वयन कार्यक्रम। इसकी जो रिपोर्ट आई थी इसके 23 खंड थे। ये था पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्यक्रम था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे लागू करनी है ये वो। तो इसमें जो बात की गई थी ये 23 खंड थे, 23 खंडों में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसमें बात करी गई थी नारी समानता की शिक्षा देनी चाहिए, एससी एसटी और साथ साथ ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की भी बात की गई थी। पिछड़ा वर्ग होगा शायद ये, एससी एसटी और बीसी की बात की गई थी, और अल्पसंख्यक की बात की गई थी कि अल्पसंख्यक की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वह सतत शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च तीनों स्तर के बारे में बात की थी कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। इन्होंने बात की थी प्राथमिक की भी, माध्यमिक की भी, उच्च माध्यमिक की। नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई थी या नवोदय विद्यालय की जो संकल्पना आई थी वो 1992 एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत ही आई थी। व्यावसायिक शिक्षा की पर इन्होंने बल दिया था, मुक्त शिक्षा की बात करी थी, ओपन एजुकेशन जो था वो जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1992 में आया था ओपन एजुकेशन। भाषाओं के विकास की बात करी थी, आईसीटी की बात करी थी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात जो करी थी इन्होंने वो भी कार्यक्रम 1992 में करी थी। खेल को विषय बनाया था, मतलब पाठ्यक्रम का, शारीरिक शिक्षा को विषय बनाया था पाठ्यक्रम का, या अध्यापक प्रशिक्षण पर जो ज़्यादा जोर दिया था वो 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने दिया था। अच्छा 1992 में ये तो चल ही रहा था, 1992 में ही राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी जिसे हम शिशुपाल समिति भी कहते हैं। 1992 में ही जो बनी थी राष्ट्रीय सलाहकार समिति, शिशुपाल समिति कहते हैं, इसकी रिपोर्ट आई थी 1993 में। इसलिए टाइमलाइन में 1993 में है क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो थी वो 15 जुलाई 1993 को आई, जिस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने शिशुपाल समिति जो थी शिक्षा बिना बोझ के जो इन्होंने रिपोर्ट इस नाम से जो रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, इन्होंने बोला था कि पाठ्यक्रम निर्माण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब केवल केंद्र को अधिकार नहीं है राज्य को भी अधिकार देना चाहिए कि पाठ्यक्रम को क्या रखना चाहेगा, और पाठ्यक्रम स्कूल की संपत्ति है, सामान्य जनजीवन से जोड़ना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है स्कूल की संपत्ति और सामान्य जनजीवन दोनों अलग बात है, सामान्य जनजीवन की बात करते हैं पहले। उन्होंने बोला था कि पाठ्यपुस्तक में जो भी ज्ञान होना चाहिए वो सामान्य जनजीवन से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने EVS वगैरह की बुक्स पढ़ी होंगी या प्राइमरी की बुक्स पढ़ी होंगी आपने ध्यान भी करा होगा कि सामान्य जनजीवन की ही बात करी गई है उसमें भी, तो सामान्य जनजीवन से जुड़ा होना चाहिए पाठ्यक्रम, ये यशपाल समिति ने रिकमेंड करा था। और स्कूल की संपत्ति होनी चाहिए, मतलब वो यशपाल समिति ने सुझाव दिया था ऐसा। अब ऐसा होता है समितियाँ सुझाव देती हैं, वो मानना ना मानना वो उनके ऊपर बात होती है।
सरकार के ऊपर बात रहती थी, तो उन्होंने बोला था कि पाठ्य पुस्तक स्कूल की संपत्ति है, स्कूल में ही रहने दो इन्हें, और बच्चे आएंगे पढ़ेंगे और स्कूल को लौटा देंगे, और पढ़ यहाँ तक कि होमवर्क की भी अलग व्यवस्था, मतलब स्कूल में ही व्यवस्था कर दो, और बच्चों को होमवर्क मत दो, प्राथमिक विद्यालय में कम से कम बच्चों को होमवर्क नहीं देना है। उसके साथ ही उन्होंने बात करी थी शिक्षा दर्शन नामक एक चैनल शुरू करो, जिसमें जो छात्रों के लिए हो, अध्यापक के लिए हो और अभिभावकों के लिए हो। तो शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम स्टार्ट होने की बात करी गई थी, जो छात्र अध्यापक और अभिभावकों के लिए हो। तो ये बात हुई 1992 की, जो यशपाल समिति थी जिसकी रिपोर्ट आई थी 1993 में, 15 जुलाई 1993 को, जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। अच्छा, उसके बाद 1993-94 में SOPT कार्यक्रम शुरू हुआ, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, ये NCERT ने शुरू करा था। इसमें 4.5 लाख टीचर्स को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग देने का, 4.5 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, ये कार्यक्रम जो था NCERT के क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष रूप से संपन्न हुआ, तो पता होना चाहिए NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय, कई बार आ जाता है क्वेश्चन NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं, या निम्न में से कौन सा NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय है, तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, ये 4 NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। तो अब हम आ गए थे 1994 तक, SOPT जब शुरू हुआ था, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर जो शुरू हुआ था। उसके बाद आई 1993 में ही बेसिक शिक्षा परियोजना, ये आई थी यूपी के सापेक्ष में, यूपी के सापेक्ष में बात करता हूँ। बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 को, इसके 3 अंग थे मुख्य। पहला था संस्थागत क्षमता में वृद्धि, मतलब जो टीचर, मतलब स्टूडेंट पढ़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, गुणवत्ता में सुधार व पूर्णता होनी चाहिए, और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार व पूर्णता और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना लाई गई थी 5 अक्टूबर 1993 को। उसके साथ ही ये इसमें बेसिक शिक्षा तक पहुंच में ये प्रावधान था कि जहाँ जिस गांव की जनसंख्या 300 है, 300 है जनसंख्या, या कम से कम 1.5 किलोमीटर तक हर बालक की पहुंच में विद्यालय होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय 1.5 किलोमीटर तक, या 300 जनसंख्या जहाँ वहाँ पर। अच्छा, सन 2000 तक, 93 आई थी, सन 2000 तक MLL मिनिमम लर्निंग लेवल, जो 1991 की रिपोर्ट थी ना NCERT रिपोर्ट मिनिमम लर्निंग लेवल की, उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य था बेसिक शिक्षा परियोजना का, 5 अक्टूबर 1993 को जो आई थी। अच्छा, इससे संबंधित एक बात और थी, चलो आएगी तो बताऊंगा। मिनिमम लर्निंग लेवल NCERT की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2000 तक, सन 2000 तक हमारा बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य था कि हम मिनिमम लर्निंग लेवल प्राप्त करेंगे। इसके तहत ही प्रबंधन के लिए अलग और एकेडमिक के लिए अलग दो प्रकार की संस्थाएं बनी थी। अच्छा, प्रबंधन के लिए क्या बनी थी, राज्य परियोजना परिषद राज्य स्तर पर, जिला शिक्षा परियोजना परिषद जिला स्तर पर, ब्लॉक शिक्षा समिति ब्लॉक स्तर पर, ग्राम शिक्षा समिति। अच्छा, इनका जो काम था ये था प्रबंधन का, ब्लॉक शिक्षा समिति का कार्य, ग्राम शिक्षा समिति का कार्य, जिला शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य परियोजना परिषद का कार्य था प्रबंधन का, शिक्षा के प्रबंधन का। अच्छा, उसके अलावा एकेडमिक के लिए बना थी कुछ संस्थाएं, जैसे CMAT, DIET, BRC, NPRC। CMAT मतलब स्टेट एजुकेशनल एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन सॉरी स्टेट एजुकेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, और डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, BRC है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, NPRC है न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। तो ये रिसोर्स रिसोर्स सुन ही रहे होगे आप, ये रिसोर्स सेंटर और CMAT और डाइट, इन चारों को ये अकेडमिक्स के लिए अकेडमिक व्यवस्था की गई थी, मतलब अकेडमिक सुधारने के लिए ये संस्थाएं जिम्मेदार थीं, और ये प्रबंधन के लिए ये जो संस्थाएं थीं ये जिम्मेदार थीं। 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आई थी, 1994 में लागू हुआ था जिला प्राथमिक कार्य शिक्षा कार्यक्रम, ये लागू हुआ था, इसके 3 चरण में लागू हुआ था, पहले चरण में लागू हुआ था 7 राज्य में और 42 जनपदों में, दूसरे चरण में लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में और 7 अन्य राज्यों में, जो पुराने राज्य थे वही वाले 7 राज्य, इसमें 50-60 जनपद हो गए थे, 42 से 50-60 जनपद हो गए, कुछ राज्यों में लागू हुआ था, और उसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी लागू हुआ था। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, DPEP ये कार्यक्रम लागू हुआ था 1994 में,
उसके बाद दोबारा आया DPEP 2, ये आया 1997 में, DPEP सेकेंड। इसमें 22 जनपद थे जिसमें महिला शिक्षा अनुपात, महिला साक्षरता अनुपात कम था। तो DPEP 2 में यूपी के 22 जनपद आए थे जिसमें महिला शिक्षा अनुपात कम था। इसमें हमारा एक जिला भी था अमरोहा, ये जेपी नगर तब नाम था इसका। तो ये हो गई आपकी, मैं एक बार रिपीट करा दूंगा बाद में। अच्छा हाँ, ये और 1976 में आपको पता ही, संविधान संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था शिक्षा विषय को। अनुच्छेद 45 नीति निषेधक तत्व जो है उसमें बात की गई है, अनुच्छेद 45 में बात की गई है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य है अभिभावकों का, अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के लिए प्रयास करें या प्रबंधन करें। 2002 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के में 86वें संशोधन के अंतर्गत ये लाया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ, 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया तो राजपत्र में प्रकाशित हो गया। अच्छा कई बार आ जाता है अब शिक्षा संस्थान की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है, तो वो देखो अनुच्छेद 28 में, जो 28 जो बात करता है, अनुच्छेद 28 बात करता है कि राज्य, जिसका राज्य, जो शिक्षा संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते, अनुच्छेद 28 की बात करता है। नैतिक शिक्षा को मना नहीं करता पर धार्मिक शिक्षा को मना करता है। अनुच्छेद 29(2) में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को इस बात की छूट है। अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अपने प्रबंधन की छूट है, इनके प्रबंधन की छूट है 30 में, और इस अपने क्या कहते हैं धार्मिक विषयों को पढ़ाने की छूट है अनुच्छेद 29(2) में, और अनुच्छेद 28 प्रतिबंधित करता है जो राज्य जो जो राज्य राज्य से सहायता प्राप्त जो संस्थान है उनमें शिक्षा की। अच्छा उसमें धार्मिक शिक्षा की, और क्या ये, हाँ, और ये कई बार आ जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग किससे संबंधित है, तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, और ये 1948 में आया था सबसे स्टार्टिंग में, 1948-47 में आजाद हुआ, 48 में ही आ गया, और 1952-53 में ये मुदालियर आयोग आया था, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। 1952-53 में मुदालियर आयोग आया था, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो ये हो गया आपका अब तक का, मतलब 1997 तक का आ गया, ऐसा समझो 2000 तक का आ गया। इसके अलावा आप जो मेन 2002 वाली भी बात भी कर ली, चलो मैंने, तो अब RTE 2009 रह गया, NCF 2005 रह गया, वो बात करूंगा मैं अगली वीडियो में, NCF 2005 की और RTE 2009 की। उससे पहले एक बार ठीक है दोबारा से दोहराते हैं बहुत स्पीड में। 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग आया, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा तीनों शिक्षाओं की इन्होंने बात करी थी। इन्होंने शिक्षा के 5 लक्ष्य निर्धारित करे, उत्पादकता, राष्ट्रीय एकता, मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्य। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को जो स्तर बांटे थे वो इस तरीके से बांटे थे कि पूर्व प्राथमिक कम से कम 1 से 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष के लिए, माध्यमिक शिक्षा 2 से 3 वर्ष के लिए, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष के लिए होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था। सरल व औपचारिक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए 1964 में। 1968 में पहली पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। माध्यम क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया था, समान स्कूल पद्धति लागू करने की बात की गई थी, समाज उत्पादक कार्य सिलेबस में जोड़ दिए गए थे। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बना दी गई थी। त्रिभाषा सूत्र भी यहीं लागू हुआ था। 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा विषय। 1979 में ड्राफ्ट बनकर रह गया, शिक्षा नीति नहीं बन पाई। 1985 में शिक्षा की चुनौती दस्तावेज प्रकाशित हुआ। 1986 में शिक्षा की चुनौती दस्तावेज के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुई, या 1966 बनी, जिसमें 10+2+3 जो ये फॉर्मूला जब भी लागू है इसके बारे में चर्चा की गई थी। इसमें बालक को राष्ट्रीय संपत्ति समझा गया था, इसलिए उसके पूर्व प्राथमिक में पोषण की बात की गई थी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम लागू हुआ था। 12 खंड थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। इसमें प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित मानी गई, बाल केंद्रित पर जोर दिया गया था, कार्य अनुभव पर जोर दिया गया था, गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया था, पर्यावरण संरक्षण को सिलेबस में शामिल किया गया था, मूल्य शिक्षा को सिलेबस में शामिल किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया था जो लॉन्च हुआ था 1987-1988 में, जिसमें 2 कमरे और 2 अध्यापक की व्यवस्था थी। प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-91 के लिए 4 एजेंसी उत्तरदायी थी, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ISTE, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम लागू हुआ, जिसमें 1989 में केरल में भाग लिया था, सबसे पहला राज्य केरल। 1988 राष्ट्रीय साक्षरता कानून। 1990 डॉक्टर राम मूर्ति ने इसमें कुछ संशोधन करे थे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 3 कमरे, 3 अध्यापक, इसके साथ ही 50% महिला अध्यापक, संस्कृत विषय पर जोर, +2 स्कूल
व्यवस्थाओं में आना, 10+2 मतलब इंटर तक स्कूल केवल समानता की शिक्षा देनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना, 6% राष्ट्रीय आय का खर्च, 6% कानून और SC और ST के लिए विशेष व्यवस्था। 1990 में पीमोस्ट कार्यक्रम आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पीमोस्ट जनरल का पीमोस्ट ओ भी बना दिया गया। NCERT रिपोर्ट आई 1991 में, जिसमें मिनिमम लर्निंग लेवल की बात करी थी। 1992 में कार्यान्वयन कार्यक्रम 86 के 5 साल बाद आना था, 86-5-91 एक बयान में आ गया, 23 खंड थे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। नारी समानता की बात करी गई थी, SC ST और BC की बात करी गई थी स्पेशल शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक की शिक्षा की बात करी थी, विकलांगों की शिक्षा की बात करी थी, प्रौढ़ सतत शिक्षा की बात करी थी, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा की बात करी थी, जनसंख्या शिक्षा की बात करी थी, प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर तीनों क्या कहते हैं शिक्षाओं की बात करी गई थी, नवोदय विद्यालय की संकल्पना, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन, भाषाओं का विकास की बात करी थी, ICT की बात करी थी। 1992 में ही ICT की बात होने लगी थी, 1986 में कंप्यूटर की बात करी थी। वास्तव में सोचा जाता है, समझा जाता है ऐसा कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। ICT की बात करी थी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, खेल शिक्षा का शारीरिक शिक्षा को सिलेबस में शामिल करने की बात करी थी, अध्यापक शिक्षण पर जोर दिया गया था। 1992 में ही यशपाल समिति बनी थी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे यशपाल, इसी के आधार पर यशपाल समिति कहा जाता है। इसने रिपोर्ट दी अपनी 15 जुलाई 1993 को, शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने बोला था कि पाठ्यक्रम स्कूल की संपत्ति है, पाठ्य पुस्तक स्कूल की संपत्ति है, अतः स्कूल में रखना चाहिए। खैर ये बात नहीं मानी गई, सामान्य जनजीवन संबंधित होनी चाहिए ये बात मान ली गई। प्राथमिक में होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। शिक्षा दर्शन एक कार्यक्रम शुरू होगा दूरदर्शन पर, जिसमें छात्र अध्यापक और अभिभावकों के लिए होगा। उसके बाद 1993-1994 में 1993 और 1994 में SOPT कार्यक्रम शुरू हुआ, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, ये जो शुरू करता है NCERT शुरू करता है, इनके क्षेत्र कार्यालय में शुरू हुआ था, विशेष रूप से अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में। उसके बाद 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आई, 5 अक्टूबर 1993 को, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता और बेसिक शिक्षा तक पहुँच, इसके 3 मुख्य अंग थे। बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 300 की जनसंख्या पर या 1.5 किलोमीटर तक एक प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित किया गया। सन 2000 तक में MLL यानी मिनिमम लर्निंग लेवल NCERT रिपोर्ट जो 1991 आई थी, उसके आधार पर ये 2000 तक का लक्ष्य रखा गया। इसके अनुसार इसके लिए प्रबंधन और अकेडमिक के लिए दो अलग तरह की संस्थाएं बनी। प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना परिषद, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति। अकेडमिक के लिए SEMET, डाइट, BRC, CMET, डाइट, BRC और MPRC बना था। 1990 SEMT स्टेट एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, NPRC नेशनल नया पंचायत रिसोर्स सेंटर। और 1994 में आई थी पहली DPEP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसमें जिला के स्तर पर शुरू करी गई थी। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी नीति जो शुरू करी जाती है उसका क्रियान्वयन होता है छनते हुए, ऐसा समझ लो, पहले स्टेट में आई, फिर पहले सेंटर में आई, फिर स्टेट में आई, फिर डिवीजन पहुँचेगी, मंडल पहुँचेगी, तो थोड़ा डिवीजन या मंडल पहुँचेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर पहुँचेगी, तो थोड़ा लंबा था। तो इन्होंने डायरेक्ट जिले से शुरू मार करनी शुरू करी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश जो हुआ था वो दूसरे चरण में शामिल हुआ था इसके, इसके साथ 7 राज्य पुराने थे, इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, वो हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा भी इसमें शामिल थे। उसके बाद 1997 में DPP सेकंड आई, जिसमें 22 जनपद थे और महिला साक्षरता अनुपात कम था, वैसे जनपद चुने गए थे 1997 में DPP सेकंड में। संशोधन बताई दिया इसमें भी, अनुच्छेद 45 बताई दिया, नीति निषेधक तत्व की बात है, नीति निषेधक तत्व मतलब कोई बाध्यता नहीं है पर लागू करने हैं, जैसे सिविल एक्ट भी इसमें ही पड़ा है नीति निषेधक तत्व अभी तक। अनुच्छेद 51 के क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों में अभिभावकों को ये प्रावधान है कि अभिभावकों का कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा दें। 2002 में 86 संशोधन मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 4 अगस्त 2009 में संसद में पारित, 27 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात राजपथ पर प्रकाशित। और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के खुद प्रबंधन की बात है 90 में, 29-2 में बात है कि धार्मिक शिक्षा भी दे सकता है, और 28 में बात है कि राज्य से अनुदान प्राप्त जो भी स्कूल हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये बात हुई हमारी स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा की। इसमें भी अभी कुछ रह गया, जैसे NCF 2005, RTE 2009, तो ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। और भैया जैसे अभी फीडबैक देना हो नीचे जरूर कमेंट में दे दियो, क्योंकि बताते नहीं हो तुम, 10-15 लोग जितने भी पढ़ रहे हो वो ही बता दो नीचे कैसा लग रहा है। तो चलो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।